जी, जो आज जो ये मीटिंग रखी गई, इस पर क्या कहना है? आज की जो मीटिंग हमने ये रखी थी, ये हमारा मिशन 2022। बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार अब की बार एमसीडी में, आपकी ईमानदार सरकार, मिशन 2022 ये आगाज था। आज ये दिल्ली की माननीय मंत्री श्री गोपाल राय जी, बाबरपुर विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक जिन्हें शुरुआत की है 1 सितंबर से लेके और ये लास्ट सितंबर तक चलेगी। इसके अंदर हमारी 21 जनसभाएं होंगी और जो रुझान आए हैं, आज जो पहली मीटिंग थी उससे स्पष्ट हो गया है कि हम बाबरपुर विधानसभा के चारों वार्ड जीतने जा रहे हैं। कितनी कामयाब? मुझे लगता है जो पब्लिक जिस ईमानदारी से हमारे साथ लगी हुई है और जो उनका रुझान और प्यार और सम्मान जो हमें दे रही हैं और जो हमें उनका प्यार मिल रहा है, उससे तो ये लगता है कि हमें ये 90 के 100%। मुख्य रूप से समस्या क्या रखी? मुख्य रूप से समस्या कुछ नहीं रखी हमारे बाबरपुर में, मतलब जनता कॉलोनी वार्ड बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल सही। बाबरपुर विधानसभा के अंदर आप मेयर से नहीं, मैं तो एक पार्टी का छोटा सा पदाधिकारी हूँ, मैं नहीं कह रहा ये चीज़। आप पब्लिक के अंदर जाइए और वहाँ पर अपना सर्वे करिए, उस सर्वे में आपको पता लगेगा कि जो गली जो नालियाँ कभी नहीं बनी थी वो अब बची ही नहीं हैं, वो सब बन चुकी हैं। पूरे बाबरपुर विधानसभा में आपको एक भी गली ऐसी नहीं मिलेगी कि कोई ये कह दे कि जी हमारी गली बननी है या करते हैं। मतलब आप पूरी विधानसभा के चारों वार्डों की बात कर रहे हैं? चारों वार्डों की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन स्पष्टीकरण मैं आपको अपने जनता कॉलोनी वार्ड का दे रहा हूँ। अभी एक मीटिंग में गोपाल जी ने ये कहा कि कुछ गलियाँ और कुछ विकास रुका हुआ है। आपने दावा किया कि बाबरपुर क्षेत्र का जो है विकास हो चुका है, गलियों में विकास हो चुका है, नालियों में विकास हो सकता है, आप कैसे कह सकते हैं? एक्चुअल में ये हमारा कोरोना काल के अंदर जो काम रुक गया था, पिछले साल नहीं काम हो पाया, इस साल नहीं काम हो पाया, ठीक है, कोई फंड की स्थिति क्लियर नहीं थी, सारा डिजास्टर में लग गया था फंड हमारा ना। आपको ये पता है कि ये आपदा जो आई थी, कोरोना जो आया था, इसमें टोटल फंड हमारा वहाँ ट्रांसफ़र हो गया। तो उसकी वजह से मैं मानता हूँ कि 2-4 गलियाँ हो सकता है कि नहीं बन पाई हों या रुक गई हों, वो ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन ये सच्चाई है कि मैक्सिमम बाबरपुर विधानसभा की गलियां बन चुकी। संदीप जी, ये आखिरी में ही आम आदमी पार्टी के विधायक को याद क्यों आई? आपका विधायक आपके द्वारा, क्योंकि वार्ड 272 है, 272 में ऐसा क्या जादू चलाएंगे गोपाल राय जी जो आपका विधायक बाबरपुर विधानसभा में जब जब नजर आए हैं, जब जब चुनाव नजर आए हैं, क्या कहेंगे आप? देखो ये चीज है ना, आप समझ सकते हो कि कोरोना था, कोरोना में कितने विधायक बाहर निकले, मंत्री जी आपको पता है कि वो हमेशा लोगों से मिले हैं, माध्यम कैसे भी रहा हो लेकिन वो कभी भी पब्लिक से दूर नहीं रहे हैं। और विकास की अगर बात करें उनकी ना, तो आप मुझे ये बताओ कि बाबरपुर में 6 से 7 साल पहले क्या था और आज क्या नहीं है, चाहे वो नाले वाला रोड हो, चाहे सारी पुलियाँ हों, चाहे अंदर की गलियाँ हों, बताओ क्या नहीं हुआ मुझे आप बताओ। मोहल्ला क्लिनिक भी है, स्कूल भी बहुत अच्छे बने हैं, आप मुझे बताओ ना। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये तो सब दिख रहा है। मतलब विधायक से खुश है, निगम से नाराज है जनता? बिल्कुल। जनता कॉलोनी में निगम फेल है? फेल और पास, ये मेरा अपनी राय, मैं अपनी नहीं दे सकता, ये पब्लिक से पूछिए आप, वो बेहतर बताइए। आप भी तो स्थानीय निवासी, स्थानीय निवासी है तो आपको पता क्या चल रहा है? क्या रहेगा 2022? 2022 में आ रहे हैं, निगम जीत रहे हैं। 272 सीटों में से कितनी आम आदमी पार्टी
सीट लेकर आएंगे। 200 प्लस आ रही है।